दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई काम पड़ता है मुझसे या मेरे पास आप लोग आना चाहते हैं कुछ हमसे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे एड्रेस पे आ सकते हैं और आप मेरी एड्रेस यहाँ पे देख लें अच्छी तरह से। और ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है और मैं आपको बता दूँ कि जो मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं मुझे और इस नंबर पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एड्रेस और ये मेरा मोबाइल नंबर है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हवाई मोबाइल के बारे में, हुनर मोबाइल के बारे में, ठीक है। कि हुनर का कोई भी मोबाइल अगर आप अनलॉक करना चाहें एमआरटी डोंगल से तो सभी हुनर मोबाइल को जो है आप एमआरटी डोंगल से अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों सामने आप यहां पर देख रहे हैं ये मेरे पास जो हवाई का मोबाइल है और ये मोबाइल जो है इसके अंदर में जो है एफआरपी लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मॉडल नंबर दिखा दूँ आपको इनका, आप पहले यहाँ ध्यान से इस मोबाइल का मॉडल नंबर यहाँ पे देख लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई भी हवाई का मोबाइल या हुनर का मोबाइल आपके पास आता है तो आप उस मोबाइल को बहुत ही आसानी से एमआरटी डोंगल में अनलॉक कर लेंगे। तो एमआरटी डोंगल में अनलॉक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं और कोई भी मोबाइल का जो बूट लोडर अगर लॉक होगा तो बूट लोडर किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं और किस तरह से आप उस मोबाइल का एफआरपी रीसेट कर सकते हैं एमआरटी डोंगल से। तो सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप बूट लोडर अनलॉक नहीं करेंगे तो आप मोबाइल का जो है एफआरपी रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में, मैं आपको नेक्स्ट करके आपको यहां दिखा रहा हूं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है एफआरपी लॉक लगा हुआ है। चलिए ये मोबाइल थोड़ा सा टच इसमें वर्क नहीं कर रहा है, चलिए इसको हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच इसका, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट करके, आप यहाँ पहले देख लें इस मोबाइल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी हवाई मोबाइल का जो है, जो तरीका मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, उसी तरीके से आप किसी भी हवाई मोबाइल का जो है बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं और उसका एफआरपी रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं ये वीडियो जो है पूरे 10 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है और आप लोग बोर ना हो और इस वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें पूरी तरह से, तभी जो है आप किसी भी हवाई मोबाइल का, हुनर मोबाइल का एफआरपी रीसेट कर पाएंगे एमआरटी डोंगल से। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे जो है गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है, इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पे ओके करेंगे तो फिर से जो इस पर हम नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्किप पे मैंने क्लिक किया, फिर से जो है ये यही लिख रहा है, ठीक है, इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है इसलिए। तो इसका बूट लोडर लॉक है, तो सबसे पहले हमें मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें बैक आना होगा, ठीक है। तो बैक आने के बाद हम यहाँ पे डायल बटन पर क्लिक करेंगे इमरजेंसी कॉल पर, अब यहाँ पे देखते हैं इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इमरजेंसी कॉल पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यूएसबी पोर्ट सेलेक्ट करने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इमरजेंसी पोर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना होगा स्टार हज, फिर से स्टार, फिर हज, तो स्टार हज हमें डायल करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नंबर डायल करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं नंबर डायल कर रहा हूँ 2846579। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डायल करना होगा हज स्टार। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में बैकग्राउंड सेटिंग जो आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। बैकग्राउंड सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप यहाँ पे देख रहे हैं यूएसबी पोर्ट सेटिंग, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट सेटिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यूएसबी पोर्ट सेटिंग पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर मोड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको यूएसबी डाटा केबल लगा देना है, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है मोबाइल को और मोबाइल को रख देना है। उसके बाद आपको एमआरटी डोंगल का जो टूल है, ठीक है, जो सेटअप है, तो उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है पहले से, ठीक है, आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और उसके बाद बता दूं इसे ओपन करने से पहले अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस जो है इनेबल है, ठीक है, तो उसे आप डिसेबल कर देंगे, ठीक है। डिसेबल आपको करना जरूरी होगा कि अगर आप डिसेबल नहीं करेंगे तो आपका जो, मैं आपको बता दूं कि ये जो एमआरटी डोंगल का जो सेटअप है इसे खा जाएगा एंटीवायरस, ठीक है। तो आपको एंटीवायरस को जो है डिसेबल करना होगा, तभी आप जो है काम कर पाएंगे। अगर आपका एंटीवायरस इनेबल रहेगा तो आपका जो ये सेटअप है, ये सेटअप जो है आपका करप्ट हो जाएगा। तो हमने एंटीवायरस को डिसेबल कर दिया है। उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं एमआरटी डोंगल का सेटअप को ओपन करके, और दिखाएंगे इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें बताएंगे और अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एमआरटी डोंगल का जो टूल है, मेन टूल जो ये ओपन हो चुका है हमारे सिस्टम में। उसके बाद डिवाइस मैनेजर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कि इसमें जो है यूएसबी पोर्ट जो है आपका कौन कौन सा पोर्ट पकड़ना चाहिए, तभी आपका जो है ये मेथड काम करेगा।
और मैं बता दूं कि इसमें जब भी आप जो है इसका FRP अनलॉक करेंगे या बूटलोड अनलॉक करेंगे तो हवाई का जो ड्राइवर होता है, ठीक है, हवाई का टोटल ड्राइवर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तभी जो है आप ये मेथड से जो है आप FRP रीसेट कर सकते हैं, बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं। और जब आप इस मेथड में मोबाइल को कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में तो आपके डिवाइस मैनेजर में जो है आपका जो यहाँ पे मॉडम यहाँ पे लिखना चाहिए, ऊपर में एंड्रॉयड ADB इंटरफेस लिखना चाहिए, ठीक है, ये सारा लिखेगा तभी जो आपका ये मेथड काम करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा सारा जो है पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मैंने जो हवाई पे क्लिक करके हवाई टूल को ओपन कर लिया है, और उसके बाद हवाई टूल को ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे में यहाँ पे क्वेलकम, ठीक है, क्वेलकम आपको सेलेक्ट करना होगा और सबसे पहले आपको बूटलोडर को अनलॉक करना होगा। तो बूटलोडर पर ऑटोमेटिक चेक लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक देना है और ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट करेगा और इस मोबाइल का बूटलोडर को ये अनलॉक करेगा। तो चलिए दोस्तों, जो तरीका मैंने अभी आपको दिखाया मोबाइल में किस तरह से जो है आप इसका जो USB पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं, तो हमने ये तरीका यहाँ पे हम आजमा रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो बूटलोडर यहाँ पे अभी कुछ ही देर में अनलॉक हो जाएगा। पहले बूटलोडर अनलॉक करके देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि बूटलोडर अनलॉक होने के बाद फिर किस तरीके से आप मोबाइल को बूट कराएंगे ताकि आप इसका FRP रीसेट कर सकें। क्योंकि इसमें दो तरीका है, बूटलोडर अनलॉक करने का जो बूटिंग मोड है वो अलग तरीका है और FRP रीसेट करने का जो बूट का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है, और शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका बूटलोडर अनलॉक सक्सेस हो चुका है, बूटलोडर अनलॉक हो चुका है, ये हो गया एक तरीका। उसके बाद आपको दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसका जो है FRP रीसेट कर सकते हैं। तो बूटलोडर अनलॉक होने के बाद आपका मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो आपको मोबाइल को फिर ऑफ करना है, ठीक है। तो मोबाइल का पावर स्विच दबा करके रखेंगे मोबाइल ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इस मोबाइल को हम पहले ऑफ कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको किस तरह से आप जो है इसका FRP रीसेट करेंगे और किस तरह से आप जो है इसको बूट कराएंगे। तो पहले मोबाइल को ऑफ करना जरूरी है, तो मोबाइल को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम माइनस, तो वॉल्यूम माइनस को आपको कंटिन्यू दबा के रखना है ऑफ करने के बाद मोबाइल को। उसके बाद आपको USB डाटा केबल लगा देना है मोबाइल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं USB डाटा केबल मैंने लगा दिया और वॉल्यूम माइनस मैंने कंटिन्यू दबा के रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं ये इस तरह का आपको जो है इंटरफेस दिखाई देगा, ये फास्ट बूट में आ चुका है मोबाइल। उसके बाद फिर से आपको जो MRT डोंगल में आपको यहाँ पे FRP रीसेट पे आपको चेक लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। उसके बाद स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट कर जाएगा और बूट करने के बाद आपका मोबाइल का जो FRP यहाँ पे रीसेट ओके दिखाएगा। उसके बाद फिर उसमें आपको कुछ प्रोसेस करना होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका FRP जो है लॉक रीसेट यहाँ पे हो चुका है, कुछ कोड यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन कोड हमें डायल नहीं करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको वाई डाटा फैक्ट्री जो आपको रीसेट करना है और ये मोबाइल कुछ देर बाद जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होकर के फिर से उसी मेथड में अभी आ जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, वीडियो में अभी कुछ थोड़ा सा इस पर प्रोसेस करना होगा इस मोबाइल के अंदर में। तो आप थोड़ा वीडियो को पूरा देख लें और बाद में आप फिर कमेंट ना करें हमको कि नहीं भाई मैंने मोबाइल को अनलॉक किया और नहीं हो रहा है। तो आप पूरी वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से इस मोबाइल को जो अनलॉक किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल रिबूट हो चुका है, रिबूट होकर के मोबाइल स्टार्टिंग मोड पर है, इसको ऑन होना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन इसमें कुछ लिख रहा है और ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसका बूटलोडर हमने जो है अनलॉक किया था, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो वापस हमें फिर इसका बूटलोडर अगर लॉक कर देंगे, ठीक है, इसका बूटलोडर वापस हम लॉक कर देंगे तो फिर ये स्टार्टिंग में शो नहीं करेगा। अगर इसका बूटलोडर हम लॉक नहीं करेंगे तो बार बार मोबाइल स्टार्ट होगा तो पहले वही उसी तरह से इंटरफेस उसका दिखेगा आपको, उसी तरह से लिखेगा, ठीक है। तो बाद में आप जो है इसका बूटलोडर लॉक कर सकते हैं जिस तरह से अभी अनलॉक किए थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, उसी मेथड से जो आप इसका बूटलोडर लॉक कर सकते हैं, फिर ये बार बार इस तरह का नोटिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। उसके बाद अब ये मोबाइल ऑन हो रहा है और इस मोबाइल का अभी हम आपको सेटअप करके दिखाएंगे किस तरह से आप इस मोबाइल का सेटअप कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लें।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर वापस उसी मेथड पर है। अब इसे हमें सेटअप करना है जिस तरह और सब मोबाइल को हम सेटअप करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हमें इस मोबाइल का सेटअप करना है। अब पहले यहाँ पे जो है हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए कोई दूसरा मोबाइल जो है बगल में मेरे ऑन है वाईफाई उसका, इसलिए यहाँ पे जो है शो कर रहा है। तो इसका वाईफाई हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसमें वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जो हम इस मोबाइल का सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करते चले जाएंगे जिस तरह और सब मोबाइल